दोस्तों आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, कमेंट करें, सजेस्ट करें। जैसे कि आपको याद होगा कि इस रविवार को आपका नीट का एग्ज़ाम है, जिसके लिए हमने 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे लाइक एंड फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों साथ चालू करते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पैलेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एंसेस्टर लाइनेज ऑफ एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्व ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म एंड एंड्रोजन बेस्ड ऑन डीएनए करेक्टरिस्टिक सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। इसका सही आंसर है बी, ऑब्जर्व ए करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच क्लास ऑफ फंगाई इज कॉल्ड द फंगाई इम्परफेक्ट? एस्कोमाइसिटिस, ड्यूट्रोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, जाइगोमाइसिटिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ड्यूट्रोमाइसिटिस। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इज पॉलीथ्रिकम, एंटीएंटम, मार्सेंटिया या पाइनस। इसका सही आंसर है दोस्तों पाइनस। अगला क्वेश्चन देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हेमोसाइनिन पिगमेंट इज फाउंड? एनेलिडा, एक्नोडर्मेटा, प्लेटल, एमिंथेस मोलस्कस। इन फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हेमोसाइनिन पिगमेंट किसमें पाया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है मोलस्का। एडिबल पार्ट ऑफ क्वालिफायर इज ब्रैक्ट, ब्रैक्ट बर्ड लीफ इनफ्लोरेसेंस। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खाया जाने वाला क्वालिफायर, मतलब जिसे हम कहते हैं गोभी, उसका खाने वाला भाग को क्या होता है? बर्ड होता है, लीफ होता है, ब्रैक्ट होता है, इनफ्लोरेसेंस होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है इनफ्लोरेसेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैलिक ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर रिलेटेड टू मेल एक्सक्रेटरी सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल एक्सक्रेटरी सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फैलिक ऑर्गन रहता है कॉकरोच में, वे क्या होता है? क्या वो मेल एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल कॉकरोच में पाया जाता है ये। द स्टडी रिलेटेड टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नॉन एज द, ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है पर कई बार पूछा भी जाता है। तो इसके ऑप्शन है साइटोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और पैलिनोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, जैसे कि आपको मालूम होगा, साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज द मोस्ट एवेंटेड प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड? ट्रिप्सिन, हेमोग्लोबिन, कोलेजन, इंसुलिन। दोस्तों इसका सही आंसर है कोलेजन। कोलेजन इज फाउंड मोस्ट एवेंडेड प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन विच स्टेज ऑफ मायोसिस क्रॉस दोस्तों ये सिक्वेंस है, पहले कोलेजन, फिर ट्रिप्सिन, फिर ब्लड। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेज ऑफ मायोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस? प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज वन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गार्ड सेल आर रिलेटेड टू ट्रांसपीरेशन, गटेशन, फाइटिंग अगेंस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। गार्ड सेल जो स्टोमेटा में पाया जाता है, वो किस
वो यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है उसका? ट्रांसपिरेशन के लिए होता है, गटेशन का होता है, फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्रेजिंग होता है। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर है ट्रांसपिरेशन के से रिलेटेड रहता है गार्ड सेल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्लोरोसिस इन प्लांट्स ऑक्यूर्स ड्यू टू हाई सनलाइट इंटेंसिटी, हाई ह्यूमिडिटी, एब्जॉर्प्शन ऑफ येलो पिगमेंट फ्रॉम द सॉइल। जी डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एफी इन सॉइल। क्लोरोसिस क्यों होता है? क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन इन सॉइल के कारण होता है क्लोरोसिस। दोस्तों अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। बंडल से जो होता है वह पीपी कार्बोक्साइलेस रिच होता है, रूबिस्को के लेक होता है, रूबिस्को पीपी कार्बोक्साइलेस लेक होता है, या रूबिस्को ज़्यादा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आर रिच इन रूबिस्को। इन ए जर्मन सीटिंग सीड व्हेन प्रोटीन इज एरोबली ऑक्सीडाइज द आर क्यू वैल्यू विल बी मोर देन वन, लेस देन वन, 1, 0। दोस्तों इसका सही आंसर है लेस देन वन, आर क्यू वैल्यू रहती है जर्मिनेटिंग सीड में 1 से कम होती है। द फिनोमिनन ऑफ बर्नलाइजेशन कैन बी सीन इन शुगर बीट, कैबेज, कैरेट, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस, तीनों में बर्नलाइजेशन की फिनोमिना देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन आर स्टोर्ड इन द बॉडी हैज एमिनो एसिड्स, फैट्स, स्टार्च, मोनोसेक्राइड्स। इसका सही आंसर है एमिनो एसिड्स, फैट, स्टार्च, मोनोसेक्राइड्स में से सही आंसर है फैट्स। दोस्तों देखते हैं ये जो डायग्राम दिया गया है स्टैंडर्ड ईसीजी एक नॉर्मल पर्सन का है, तो इसमें जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करती है बिगिनिंग ऑफ द सिस्टॉल, एंड ऑफ द सिस्टॉल, पीक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बॉथ द आर्टरी, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन। जो पी वेव रहती है दोस्तों वो कॉन्ट्रेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो क्यू आर एस वेव रहती है डीपोलराइजेशन वेव को रिप्रेजेंट करती है, और जो टी वेव रहती है वह रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बॉथ द एट्रिया। द मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्सॉर्ब्ड इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। असेंडिंग लिंब ऑफ लूपा फेनली, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपा फेनली। दोस्तों इन चारों में से जो कि असेंडिंग लिंब ऑफ फेनली, कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल डीसीटी, प्रॉक्सिमल पीसीटी, डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूपा फेनली, तो इनमें से कौन सा एब्जॉर्ब करता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुल 70 to 80% एब्जॉर्ब करता है। किसको? इलेक्ट्रोलाइट्स को। द यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, मैलियस, एथमॉइड, जाइगोमेटिक, हायड। दोस्तों इसका सही आंसर है
हाइट बोन। दोस्तों अगला देखते हैं, पोर्किंजे सेल्स आर रिलेटेड टू हार्ट, सेरिबेलम, सेरिब्रम, व्हाट एंड री। दोस्तों आकाश आसान सा क्वेश्चन है जो आपको मालूम होगा शायद, इसका सही आंसर है सेरिबेलम। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप एग्ज़ाम से पहले देख कर जाएँ, हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। धन्यवाद।